कहता है परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द मास एंड स्पीड, ठीक है, मास एंड स्पीड में परसेंटेज एरर जो है 2 और 3% है, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट का एरर आएगा। चलो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv². तो काइनेटिक एनर्जी में अगर परसेंटेज कम है, अप टू 5% है, तो मैं एरर वाला कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये अब 1/2 यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, उसमें कभी कोई एरर नहीं आएगा, डेल्टा एम अपन टू डेल्टा भी अपन भी और मल्टीप्लाइड बाई 100%, ठीक है। तो ये आ जाएगा हम लोगों को परसेंटेज एरर। मास में परसेंटेज एरर कितना देखो दिया हुआ है, डेल्टा एम अपन एम मल्टीप्लाइड बाई 100 की वैल्यू 2% है, तो यहाँ से 2% आ गया और यहाँ से 2 इधर से आ गया डेल्टा बी में 3%, तो ये आ गया 6%, ठीक है। तो कुल मिला के 8% काइनेटिक एनर्जी में एरर आएगा। अगर यही 200% होता, 100% होता, तो ये कॉन्सेप्ट आप नहीं लगा सकते, एरर का कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ बोल देता कि यहाँ 30% है और यहाँ 50% है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तब एक्चुअल जैसे परसेंटेज निकालते हैं वैसे निकालेंगे, फाइनल निकालेंगे, इनिशियल निकालेंगे, घटाएंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे।